आज आज स्कूल से फोन आता है कि आप एलिस के फादर बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं बताऊँ कि आप एलिस की मम्मी को जो है स्कूल में भेजिए, डायरेक्टर साहब उनसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे ये बोला मेरी मिसेज की तबीयत खराब है, अभी वो अभी आज नहीं आ पाएंगी और वो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, कल तो वो आई थी वो ठीक थी, आते जो खराब कैसे हुई। फिर भी मैंने इनको बोला तो आप स्कूल में होके आओ देख के आओ। जब ये मेरे स्कूल में जब यहाँ पर ये आई तो इनके सामने जो है उठा के टीसी दे दी गई। इन्होंने ये पूछा वहाँ पर छः बच्चियाँ खड़ी थी, छः बच्चियों को क्यों नहीं मारा गया, एक ही को क्यों मारा गया। तो मैडम से हमने नहीं मारा मैडम, मैडम बोल रही है हमने नहीं मारा। उसके बाद में जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने ये कहा ये आपकी बच्ची है, मुझे नहीं मालूम थी ये मुसलमान की बच्ची है, अगर पता होती मैं एडमिशन ही नहीं करा था। उसकी वजह ये है कि ये मोनिका राज खान है, मोहम्मद साहब मैं मुसलमान समाज हूँ, मैं दोनों राम और रहीम को मानने वाली हूँ, मैं कोई फर्क नहीं करती। लेकिन स्कूल का मैं तो मंदिर शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर उसे मारा गया कि वो लड़की मुसलमान थी, इस बात पर उसको मारा गया। एज ए मदर मैं बच्ची की माँ हूँ 16 साल की, मेरी बच्ची को परसों पानी की छींटों पे मारा गया था। जो मैं कंप्लेन कर, मेरी बच्ची बहुत डिप्रेशन में थी, स्कूल में घर पे आके बहुत रो रही थी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसकी सारी फ्रेंड्स आकर के उसको समझा रही थी मत रो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम आंटी मेरी आप एलिश के साथ में इतनी बदतमीजी की है, वो तब से रोए जा रही है चुप नहीं कर रही है। शाम को उसको चक्कर आ रहा है, सर में दर्द, मैं डॉक्टर के यहाँ मिलेगी, डॉक्टर ने कहा इसको एक दो दिन रिलैक्स करो, स्कूल मत भेजो, ये रिलैक्स हो जाएगी फिर भेजिएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं उस बच्ची को फिर ले आई कल रात को। कल सुबह मैं स्कूल में आई, प्रिंसिपल से बात कर रही, मैडम आप कोई बात नहीं, आपने मेरी बच्ची को चुटिया पकड़ के कॉरिडोर में खींचती हुई लाइन मारा कोई बात नहीं, पर ऐसे छह बच्चियां और धो रही थी, आप सबके साथ व्यवहार एक सा करती, आप टीचर है मार सकती है, गार्जियन है हमारे पास, आप गार्जियन आती है बोले आपकी बच्ची झूठ बोल रही है, उसे किसने मारा नहीं। मैंने कहा मैम आप सीसीटीवी कैमरे चेक करा लीजिए, अगर नहीं मारा मैं अपनी बच्ची को मैं गलती एक्सेप्ट करूं कि नहीं, हम तुम्हारे लिए यही बैठे हैं कि सीसीटीवी कैमरा का और तुम हिमायत लेके आ गए अपने बच्चे की करे वो करे। मैं कोई बात नहीं, मैं वहां से छुपा गई क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मुझे अपनी बच्ची पढ़ानी है, नाइन्थ उसका साल बेकार जाता है, उसका टेंथ आने वाला है। प्लस आज मेरे पास सुबह फोन आता है 10 बजे कि आपको डायरेक्टर साहब ने बुलाया है, मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। मैं गई, आई जैसे आई तो सारे पेपर्स उसके डॉक्यूमेंट बना के मुझे हाथ में दे रहे हैं कि हम आपकी बच्ची स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे किसी भी केस पे। मैं सर रीजन डायरेक्टर साहब जीएस राणा साहब ने, मैंने कहा सर मैं एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ हम्बली, क्या मुझे बताइए क्यों नहीं पढ़ाएंगे, मैं फीस नहीं देती कुछ नहीं करती, क्या मेरी कंप्लेंट पे मेरी बच्ची को निकाल दिया जाएगा 6 महीने पढ़ाने के बाद में, ये कौन सा स्कूल का रूल है। मोदी जी योगी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये हम इस तरीके से बेटी पढ़ाएंगे, हम लोग मुंह मांगे 3-3 चक्कर पे फीस दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कहीं से भी कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में जब मर्जी आएगी प्रशासन के स्कूल वालों की टीस निकाल के हाथ से पकड़ा देंगे। मेरी बच्ची इतनी डिप्रेशन में जा रही है, रो रही है मम्मी मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या करूँ बताइए आप मुझे, मैं ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को हम कहाँ सुरक्षित महसूस करें। ऐसे प्रिंसिपल ने बोला हमें नहीं पता था कि आपकी बच्ची मुसलमान है तो मैं एडमिशन ही नहीं कराता, आपको 6 महीने बाद अब दिखाई दे रही है मेरी बच्ची मुसलमान है, उससे पहले क्या नहीं दिखाई देती। लड़के पानी से मुंह धोने के लिए रोका गया, उसके बाद बच्चे टीचर वहां से निकल रही थी तो टीचर ने टोका कि भाई लड़के पानी से मुंह नहीं धो, बात धो लो, बस इसी बात को लेके टीचर और बच्चों के उसमें कुछ गलत फहमी सी हो गई कि भाई ये जो है टीचर ने ऐसे क्यों बोला। इस वजह से पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स को मैंने समझाया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्कूल अच्छा नहीं है, बच्चे को क्यों डांटा, इसके लिए तो बच्चे को कहा जाएगा कि भाई चिलर के पानी को खराब मत करो। खैर उसके बाद जो है उन्होंने उसे एक आ गया, मैं देखो टीचर्स को उन्होंने जो भी कुछ कहा होगा मैं उससे उसमें नहीं जाता, तो मैंने कहा मैंने कि टीचर्स के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा यहाँ, तो मैंने कि टीचर्स के साथ आप लोगों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। खैर वो गलत फहमी थी वो दूर हो गई और सब ठीक है, बच्चा यहीं पढ़ेगा और पेरेंट्स जो है कोऑपरेट करें।